गाँव में जो क्या होना अभी चाहिए। शुरू नहीं आया तो। हाँ, जब जब शुरू हो जाए तब फिर। पूछ लीजिए कि स्टार्ट कर रहे हैं क्या। आप सभी को नमस्कार। और ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर आधारित एक दिवसीय इस वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय महानिदेशक महोदय बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इसकी। हमारे लोग की छुट्टी के लिए इसमें कई लोगों की है। अच्छा, जानना है ना। ओहो, चलो बोलो बाबू जी। हाँ हाँ बोलो, आप तो फाइनल बोलो, मैं बोलूँ समाज में। तो हमारे मध्य हमारे महानिदेशक महोदय जा चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे सभी जनपदों से जुड़े हुए प्रतिभागियों का डॉक्टर हीरालाल सर, डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी, सभी अधिकारियों एवं इसके साथ ही जो ये वेबिनार कार्यक्रम है इससे संबंधित हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने संस्थागत कार्यकर्ता हमारे हैं इस वेबिनार कार्यक्रम पर, जो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्सी तालाब लखनऊ के माध्यम से जिसको संचालित किया जा रहा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था है उसमें जो डेमोक्रेसी है, जो जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो हम सब जानते हैं बहुत सामान्य शब्दों में कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम चलाते हैं, संचालित करते हैं। इसके लिए जो ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो भारत और हमारे प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए इसकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है जब हम उसको ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के रूप में उसकी भूमिका को देखते हैं। निश्चित तौर पर जो हमारा जनतंत्र है या हमारे जनतंत्रात्मक विकास की जो रणनीति है उसकी यात्रा है, उसकी अभी हम भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित होते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो चूंकि हम सब जानते हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, और जब तक हम गाँव में स्वराज की स्थापना के नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम उसको जो उसकी अवधारणा है उसको पूरा करने की दिशा में जितना हम काम कर पाएंगे, निश्चित तौर पर यह ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और डिग्निटी ऑफ लाइफ जिसकी बात की जाती है किसी भी देश के विकास और एचडीआई के संदर्भ में, वो बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ी उसकी उपयोगिता है। और इस क्रम में ही यह जो वेबिनार कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है हमारे आदरणीय महानिदेशक महोदय के और जो हमारे अन्य साथी हैं जिनका नाम भी मैंने आदरणीय साथी उनका नाम लिया है उनके सौजन्य से, और इसका जो विषय शब्द रखा है वो बड़ा ही व्यापक परिदृश्य को आप अपने में समाहित किए हुए है। ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा अभी मैं चर्चा कर रहा था, ग्राम स्वराज जो है वो कई उसके जो महत्वपूर्ण घटक है, उसकी वजह से आत्मनिर्भरता की बात आएगी। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को, समुदायों को और आत्मनिर्भरता की नहीं ले जाएंगे तब तक चीजें हमें उस तरह से परिलक्षित नहीं होंगी जिस तरह से होनी चाहिए। इसके लिए जीवन के विकास, ज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी की जो पहुंच है वो सभी लोगों तक होनी चाहिए और उसकी सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना होगा। और इसीलिए जो ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज के जो बुनियादी सिद्धांत है, जो बापू और अन्य हमारे जो चिंतक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, सबके बारे में सबके जो विचार थे उसके अभी हम एक संकलित रूप में उसका सामान्यकृत करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि व्यक्ति और समाज के भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास की बात उसमें की गई है। जब हम सिर्फ भौतिक विकास करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो वह एकांगी उसका विकास होगा। ग्राम स्वराज की जो मूल भावना है वो पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। उसको आच्छादित करने के लिए
व्यक्ति और समाज को मानसिक विकास आर्थिक विकास की बात करनी होगी, जिसके लिए जो मानव की सर्वोच्चता डिग्निटी ऑफ लाइफ या डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी की जो बात की जाती है, आजकल ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी यूरोपीय देशों में भी काफी चल रहा है, इस पर काफी चर्चा हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन की बुनियादी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो और उसके साथ ही उसके सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसे मिलनी चाहिए जो उसे जो उसका हकदार है। इसी प्रकार से श्रम की महत्ता की बात की गई है, आपसी समानता की बात की गई है, सभी लोगों को समानता और समान अवसर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ग्राम स्वराज और अन्य जो चीजें हैं उनको पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा। इसी के साथ ही विकेंद्रीकरण की बात की गई है, जिसके लिए सारा पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो आया था उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग जो है वो स्थानीय चीजों के बारे में ज्यादा भिज्ञ होते हैं, ज्यादा उनकी जानकारी होती है, ज्यादा अच्छी तरह से कार्ययोजना बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट करने में भी यदि उनको जोड़ा जाए, उनकी सहभागिता स्थापित की जाए, सुनिश्चित की जाए, तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पर हुए भी है, ऐसा हम लोगों ने कई संदर्भों में देखा भी है, इसके स्टडीज भी है हमारे पास। इसी प्रकार जो स्वदेशी और स्वावलंबन की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, स्थानीय स्तर पर जो स्किल है उसको डेवलप करते हुए स्थानीय स्तर पर उसको विकसित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, मार्केटिंग की व्यवस्था किया जाए, इसको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय समय पर कैटर किया जाता रहा है, आज भी किया जा रहा है। इसी के साथ लोगों में सभी आप जो हमारे निवासी है, जो जनता है, उसके आपसी सद्भाव और सहचार्य की बात की गई है, जितना आपसी सहयोग सद्भाव सहचार की भावना, पारस्परिक जब लगाव की बात होगी, एकत्व की भावना जो विकसित होगी, तो निश्चित तौर पर समाज अच्छी दिशा में बढ़ता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार जब आएंगे तो आदमी आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ता है। इसी प्रकार नई प्रौद्योगिकी और सूचना शिक्षा और संचार के जो उपकरण है उनका भली भांति उपयोग संतुलित उपयोग किया जाना आवश्यक है। जैसे अभी वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत ऑफलाइन चीजें कम हो रही है, तो हम इस वेबिनार के माध्यम से पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न स्थान पर स्थित लोगों से जुड़ रहे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी का एक परिणाम है, प्रतिफल है, जिसका हम लाभ ले रहे हैं। और स्वावलंबी विकास और बुनियादी विकास, ये बड़े लंबी चीज है, बड़े कॉन्सेप्ट से इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो है आज का जो टॉपिक है इससे मिलता जुलता इसी के आधार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम किस प्रकार किया गया। जैसा कि अभी मैंने बहुत संक्षेप में ये चर्चा की, ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम स्वराज की स्थापना, इसको स्थापित करने के लिए समय समय पर हमारे विचारकों ने, चिंतकों ने, मनीषियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, राजनीतिज्ञों ने, सभी ने अपने अपने विचार, अपनी अपनी संकल्पना, अपनी अपनी अवधारणा दी है। इसके लिए अपने उन्होंने थ्योरी दी है, डॉक्टरेट दी है, जिसको एक सामान्य तौर पर एक सामान्य शब्द में मैंने बहुत कम शब्दों में समाहित करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जैसा कि साथियों हम सब जानते हैं, हम अपने देश में आजादी के 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी हमें इस बारे में चर्चा करनी पड़ रही है, यह भी एक विचारणीय बिंदु है। तो निश्चित तौर पर जब तक किसी भी व्यवस्था में जो उसके संचालक होंगे, उसके क्रियान्वयनकर्ता होंगे, रणनीतिकार होंगे, वे जो होंगे उनकी योग्यता, उनकी विज्ञता और उनके लिए नेतृत्व करने की जो क्षमता होगी, उसके आधार पर ही कार्यक्रम और जो स्कीम्स होते हैं, नीतियां होती है, रणनीतियां होती है, उनके परिणाम आते हैं। तो इसीलिए सर्व ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर इस वेबिनार कार्यक्रम को आयोजित करने किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्वराज एवं अन्य जो स्वावलंबी विकास और आत्मनिर्भरता से अस्तित्व की भावना है उसको विकसित करने के लिए किस प्रकार की एक मशीनरी तो नहीं कहेंगे इसको, किस प्रकार का एक सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें जो लोग हैं, जो संचालन करता है, जो संचालक है विभिन्न समितियों के, राजनीतिक प्रशासनिक पदों के, उस पर ऐसे व्यक्ति आए जो विचारों से शुद्ध हो, जिनमें काम करने की क्षमता हो, जिनको कार्य करने का अनुभव हो, जिनको क्या कार्य करना है उसका भली भांति ज्ञान हो और जो लोगों के लिए समर्पण भावना से अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने विकास के मुख्य धारा से वंचित परिवारों के लिए बेहतर तरीके से काम करने के लिए किस प्रकार से वो आगे आएंगे, उनका चयन किस प्रकार किया जाए, फिर उनको समय समय पर क्षमता संवर्धन के लिए किस प्रकार से सारी रणनीति बनाई जाए, इस विषय पर सारा ये आज का जो वेबिनार कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ अभी और भी हमारे जो आदरणीय वक्ता गण, जिनका मैंने नाम लिया है, जुड़ेंगे समय समय पर, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने परम आदरणीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ, इस बड़े ही व्यापक उद्देश्यों को स्वयं में समाहित करने वाले इस वेबिनार कार्यक्रम के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों, साथियों और प्रतिभागियों को अपना आशीर्वचन, उद्बोधन, मार्गनिर्देशन
प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय महानिदेशक महोदय, कितने वीडियो 56 88 सब लोग मान। सभी हमारे साथियों, राकेश जी ने थोड़ी देर बहुत सारे कॉन्सेप्ट फटाफट बोल दिया है कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट आप लोग कितने ढंग से कितनी गहराई से समझते हैं। ये जो जितनी उन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है उसमें तो कुछ इतने लग जाएगा उस पर डिबेट करने के लिए, समझने के लिए एक एक पॉइंट को। देखिए अभी समय जो रियलिटी है, हम तो वेबिनार्स ही के माध्यम से और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात है और पूरी कमिटमेंट के साथ लोगों को चलाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आदमी डायरेक्टली ऑफलाइन आके बातचीत करता है तो उसको समझाने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी ज्यादा आसानी होती है, लेकिन उसको वेबिनार के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें बोलने वाले से ज्यादा जो है, जो सुनने वाले हैं, जो इसमें लिंक है, मतलब आज करीब 100 लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग, हालांकि इस क्षेत्र में काफी दिन से आप इस तरह के वेबिनार कार्यक्रम में बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और ग्राम स्वराज, कर्मयोगी और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, पंचायत राज की जो मजबूती करने की जो बात है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे हम लोगों ने जीपीडीपी पे भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी और ये कर्मयोग और इन सभी जो बिंदुओं पर हम लोगों ने फिर में भी आयोजित किए, लेकिन आज और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें अपने अनुभव की बातें सुनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं। आज की डेट में मैं सबसे प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये जो है तो ज्यादा औपचारिकताएं ना निभाते हुए उसको, अपनी बात को और स्पष्ट रूप से कॉन्सेप्ट भी समझाना और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी क्या भूमिका है। आज बने हम लोग 100 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, हम लोग 60,000 ग्राम पंचायतों की हालत ठीक करने की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो ग्राम स्वराज और ग्राम स्वराज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सकुशल और कुशलता पूर्ण से खुशी के साथ और सबके साथ तालमेल रखते हुए कैसे अपना जीवन यापन करे, केवल जीवन यापन ही नहीं करना है। हमारी जो ऋषि मुनियों का देश है, हम बार बार बोलते हैं मानव जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्ध, काम, मोक्ष, चार जो पुरुषार्थ जो बताया गया है कि धर्म, अर्ध, काम, मोक्ष, हमारे भारत के नागरिक को, हर एक व्यक्ति को ये उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए जिन सिद्धांतों को समझेगा और वो करेगा और अल्टीमेटली इसमें पुण्य के भागी होता है। ये सारी हमारे जो सिद्धांतों में यहां का जीवन और बाद का जीवन, जीवन की कंटिन्यूटी है, यह लोक और परलोक की जो बात कही है हमारे ऋषियों ने, क्योंकि ये बात लोगों ने समझ ना समझने की वजह से अपनी जिम्मेदारी को जितना भी ये लोग सिखाएंगे तो सीखते नहीं है और दूसरा जो है और उसका अनुपालन भी नहीं करते हैं। तो जीवन को कि जो गहराई से जो जीवन के प्रति हमारे ऋषियों की समझ थी और ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति मोटिवेटेड रहता था और पूरी श्रद्धा के साथ आदमी कार्य करता था, वो कार्य करने का जो निष्ठा है और दूसरों के प्रति हमारे अन्य जो हमारी नागरिक है, हमारे अन्य भाई बहन है, उनके प्रति जो कमिटमेंट है, हमें लाख बात बोले उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको। हालांकि उससे जितने लोग जुड़े हुए इनका भी बड़ा नहीं होता है, जो दूसरों का बड़ा नहीं करता है तो इनका भी बड़ा नहीं होता। ये बेसिक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ नहीं आया। ऋषि मुनि लोगों ने पूरी गहराई से विश्लेषण करके, जैसे भौतिक विज्ञान को हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हर एक क्रिया की समान और प्रतिक्रिया होता है, उसी तरह जीवन में भी हम लोग दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं
जो भी लाभ हानि करते हैं उल्टा पलट के हमारे ऊपर आता है, ये बड़ा सिंपल चीज है, ये इतने आंकड़ा स्पष्ट रूप से आदमी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अनुभव के आधार पर भी होता है, क्योंकि यहाँ यहलोक और परलोक की कंटिन्यूटी है, इतनी आसानी से आदमी को समझ में नहीं आता है, तो अलौकिक सत्ता है। ये अलौकिक ज्ञान को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने उसको उल्लेख किया है, वो भी ठीक से लोगों को समझाने की जरूरत है ताकि उनके स्वयं का भी भला हो। बहुत बार ये पाप पुण्य और इनको कर्म में ना ला के आदमी अपने जीवन से अलग कर दिया, उसे मंदिर में जाना या कोई धार्मिक स्थल पर जाना, वो सोच रहा है उससे पुण्य मिल रहा है, लेकिन अपने कर्म में सुधार लाना चाहिए, निष्ठा में सुधार लाना चाहिए, उसको अपनी वो जो वास्तविक जो जीवन का रहस्य है उससे अलग कर लिया है। तो इसलिए कार्य में लापरवाही है, एक बेईमानी है और बहुत बड़ा काम चोरी है, ये बहुत सारी नकारात्मक जो दृष्टिकोण लोगों में आया है। हालांकि उससे नकारात्मक दृष्टिकोण जहां पर होता है स्वयं की ये फिजिकल मेंटल और जो इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी वो बीमारी पैदा करता है, उस तरह के दृष्टिकोण इसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए जो आप सब लोग जो सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स कमिटेड स्पीकर्स है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत जबरदस्त काम किया, प्राण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी सरकार से, इनकी बहुत बड़ी निष्ठा थी, पिछले साल में इनके साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, हालांकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इसमें हो नहीं पाया है, और ये आज इनकी तरफ से मिशन समृद्धि के है और जो इनने बहुत सारे अनुभवी लोग इस पे अपनी बात रखे हुए संक्षिप्त में, और हमारे साथ विवेकानंद मिशन के अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हिलालाल जी बहुत जबरदस्त काम किया है अपने, उन्होंने बांदा जिले में रहते हुए और भी जगह पे उन्होंने जो जीवन में एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में भी बताएंगे, और भी लोग और आप लोग भी स्वयं भी सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ कुछ किए होंगे, क्योंकि हम लोग सब लोगों के लिए करने के लिए बहुत काम बचा है, क्योंकि 60,000 ग्राम पंचायत विशेष रूप से 4-5 महीने के बाद चुनाव हो रहा है, तो इसमें हमारे पास हरेक प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सदस्य लेकर जिला पंचायत सदस्य हो कोई भी, हरेक प्रतिनिधि अपने काम को समझ सके, अपने काम को सही ढंग से कर सके। अब जो बीत गया सो बीत गया है, अभी बस 4 महीने बचा है, ये जो है इसमें गांव गांव में घर घर में ये डिबेट होना चाहिए कि हमारे गांव को बेहतर करने के लिए हमारे कैसे प्रतिनिधि हो, और इसके अलावा अभी और भी चीजें उनके जो ग्राम स्वराज की जो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, कर्मचारी हो, स्वयंसेवी संस्था है, रिटायर्ड लोग हो, ये सब लोग और एनसीसी एनएसएस जिनके अंदर वो सेवा भाव है, इसको कैसे ये रिलीजियस संस्था हो, जिन जिन लोगों ने अपने भारतीय नागरिकों को माताओं बहनों को जीवन में खुशहाली लाने के प्रति कमिटमेंट है, इन सबको कैसे जोड़ा जाए, इन सब के अंदर की जो एनर्जी है, जो चिंतन है, जो ज्ञान है और इनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, इन सारी एफर्ट्स को कैसे हार्मोनाइज किया जाए, ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है। तो हमारे जो ट्रेनिंग मिनिस्टर्स के जुड़े हुए हैं और जो फील्ड लेवल के जो अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, इन सबको इसमें चिंतन करना चाहिए। बहुत सारे लोग आदमी को लगता है कि इसमें हम क्यों करेगा, यदि हम लोग बड़ा जिनसे भी प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में हमारे जो जितने आजादी आंदोलन के जो महायोद्धा है, किसी का भी जीवन से हम लोग निकालेंगे तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। उन लोगों ने बहुत कष्ट सह के भारत माँ को की सेवा के लिए और उनके आने वाले जनरेशन को तमाम गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए काम किया है, वो जो त्यागमय जीवन है वो आदमी को बहुत ऊपर उठाता है। ये दोनों चीजें कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज की किया हुआ सेवा ये वास्तविक पूंजी नहीं है, इसलिए उन महापुरुषों ने काम किया और उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए तो अपने पेट वाले के काम तो जानवर भी करता है, अपने बच्चे और उसमें जो सीमित दायरे में जीवन जीने का ये केवल इंसान ही ऐसा है
ये मानव जीवन ये उत्कृष्ट ये उच्च कोटि का जीवन है, इसलिए ये बड़ा भाग मानुष उतन पाया जो हमारे महापुरुष लोग बोलते हैं कि ये जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसको बड़ी लोगों को इसकी समझ ही नहीं है। ये भी स्वयं भी इस भावना के साथ जुड़ने की भी जरूरत है और इस भावना के साथ काम करने की जरूरत है। तो साथियों मैं बहुत ज्यादा इसको समय ना लेते हुए हमारे बहुत सारे जो स्पीकर्स है अपने जीवन के अनुभव के आधार पर वो आपको व्यवहारिक बातें भी बताएंगे किस तरह का निष्ठा चाहिए, कैसे हम लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हुए 60,000 ग्राम पंचायत में हरेक ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने की प्रति लोगों के अंदर एक तरह का क्षेत्र का संचार करना है। हरेक व्यक्ति के अंदर ये कमिटमेंट आ जाए कि मैं अपने गांव को बेहतर देखना चाहता हूं, अपने गांव में सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो पर्यावरणीय दृष्टि से हो, भूगर्भ जल या जो पर इसमें पानी से रिलेटेड बात हो, ये हरेक का हरेक स्तर पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य की बात हो, जितने जीपीडीपी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो मुद्दे है उन सब में हरेक ग्राम पंचायत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सके और गांव में बहुत एक तरह के शांति और सद्भाव का माहौल हो, पारदर्शिता की बात हो, आपस में संवाद हो, चर्चा हो, इन सारे बिंदुओं को एक डायनेमिक विलेज एक रेगुलरली संवाद करने की जो बात हो, एक जो इस तरह की एक उस दिन प्रबंधन के अंदर बात कर रहे हैं तो कम से कम गांव में तो अपनी भाईचारा की जो बात हो एक दूसरे का दुख सुख में ख्याल करे और एक दूसरे का साथ जो सहयोग करने का है, जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की जो भावना जागृत करना है, तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल्स है। इनको कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे ये लोगों के अंदर जो नकारात्मक भाव है, यूथ के अंदर जो नकारात्मक भाव है वो कैसे दूर किया जाए, तो सारी तो उस तरह की जो इसमें उतरने के लिए जो कर्मयोगी का जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, हरेक व्यक्ति कर्म को योग बनाना है, तो कर्म जब योग हो जाएगा तो तब आदमी की सेवा भावना में उतरेगा, ये ईश्वर की भक्ति बन जाती है। हरेक कर्म जो है स्वे स्वे कर्म लगता हम सिद्धि लगते नरहा, अपने अपने कर्म में रहते हुए परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यत प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वं निरन्ततं स्वकर्मणा तम अभ्यच्य सिद्धि बिंदु मानवा, कैसे अपने कर्म को पूजा बना दे, कर्म को पूजा बना दे, ये भावना और दृष्टिकोण में जो परिवर्तन लाना है, ये बात बहुत बड़ा हम लोग तो वो सिद्धांत जो हमारी ऋषि मुनियों की और भगवद गीता में वो सिद्धांत है जिसको आधार बना के हमारे बहुत सारे आजादी आंदोलन के महापुरुषों ने गहराई से प्रेरणा प्राप्त करके बहुत बड़ा संघर्ष किया है जीवन में एक आध्यात्मिक चेतना जगाने का। तो वो सारी को हम लोग अपने को उत्पोत करना पड़ेगा कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है और विश्वगुरु भी बनाना है, अपने को मजबूत भी बनाना है और विश्व के लिए भी हम लोग, तो इसलिए ये समय है इन सारे बिंदुओं को भी समझने की जरूरत है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने बहुत सारे निष्ठावान बहुत कर्मठ और अभी क्षेत्र में जूझ रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे ऐसे स्पीकर समाज साथ जुड़े हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि राकेश जी के पुकार के उनको आमंत्रित करेंगे और मैं जितने भी लोग जुड़े हैं ये पूरी गहराई से बात समझने का प्रयास करें और आप अपने लेवल पे एक अपने जिले में कम से कम मान बनाए, मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को ले जाके 100 गांव 200 गांव या हर एक जिले में भाई 500 गांव है, कहीं पे 500 से 1000 तक ग्राम पंचायत है, इन ग्राम पंचायतों में कितना बेहतर व्यवस्था करने के लिए किन किन को जोड़ू, कैसे काम करो, किन किन को जोड़ू, कैसे हर एक गांव में क्वालिटी सुधार के लिए उनके अंदर मन में एक भाव जागना चाहिए। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद भी प्रोग्राम करेंगे भाई हर एक गांव को में इस तरह की उच्च चेतना जगाने के लिए क्या उसकी वहां पहुंचने के लिए वहां पर जो है इस तरह की चेतना जगाने के लिए उस तरह की चेतना को जागृत करने के लिए
क्या गतिविधि लॉन्च किया गया, किस कैसे उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी इस पर भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है। तो मैं राकेश से कहता हूँ कि आप बारी से लोगों को चाहते हो। धन्यवाद सर, आपने बड़े सरगर्भित तरीके से सदैव की बात है हमारे प्रतिभागियों को, हमारे विश्वास पर्सन जो हमारे साथ जुड़े हैं सम्मानित, उनको अपनी बात रखी। सर का हमेशा ये चिंतन होता है कि जो हमारे प्रदेश में 60,000 के आसपास गांव पंचायतें हैं, उन गांव पंचायतों की स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, और ये सुधार के बारे में जो सर के निर्देश हमेशा होते हैं, जो आपकी चर्चा होती है, उसके आधार पर बिंदु हमने निकाले थे। निश्चित तौर पर समय सीमा का हम ध्यान रखेंगे, और जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बातें सर ने बताई कि आजादी के इतने दशक के बाद हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे गांव के प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको विकास की सभी सुविधाओं से, सभी प्रकार के मानसिक रूप से जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होना चाहिए। इसी के साथ हम सब लोगों को कार्य करने की निष्ठा होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, और सबसे जो मूलभूत चीज है जो सर ने कई बार कहा, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं, कि हमें किसी भी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। जो मूल अवधारणा है, जो मूल संकल्पना है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे और सतही तौर पर बात करते रहेंगे तो हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। उसको बहुत ध्यान से हमें समझना है, और इसके लिए गांव की बेहतरी के लिए जैसा अभी सर ने बताया कि आपस में खुले संवाद होने चाहिए, और संवाद का विषय क्या हो, उद्देश्य क्या हो, टॉपिक क्या हो, तो टॉपिक ये हो कि प्रतिनिधि इस प्रकार के हो जो सही में सेवा भाव से काम करने के लिए इच्छुक हो, और इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे गांव के जो लोग हैं उनके जीवन में सर्वतोभाव में सुधार आए, उनके जीवन में खुशहाली आए, आपसी सद्भाव आए, सहचर्य आए, और सभी प्रकार की जो चीजें हैं उसको वो उससे लाभान्वित हो सके। और जो अंतिम उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सर्वतोभाव में सार्थक बनाया जा सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण साहब जो कृषि सरकार अभियान से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना एक चिंतन है, एक अपना विजन है, काम इस क्षेत्र में उन्होंने काफी किया है, और पूर्व में पिछले विगत वर्ष भी हम लोगों ने नयाडी एनपीआर हैदराबाद के सदन से एक बड़ा प्रदेश स्तर का बड़ा ही बृहद कार्यक्रम किया था, जिसमें प्रदेश के बाहर से भी बहुत सारे प्रतिनिधि हमारे बुद्धिजीवी और बहुत प्रकार के जनप्रतिनिधिगण भी प्रतिभाग कर रहे थे, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी आए। तो हमें ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर प्राण सर से अनुरोध करता हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है ग्रामीण विकास नेतृत्व कार्यक्रम, उसकी पृष्ठभूमि, इसकी अवधारणा, इसके उद्देश्य और क्रियान्वयन की जो रणनीति है, उसके बारे में हमारे सभी लोगों को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर। धन्यवाद आदरणीय डीजी साहब, लू साहब, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय उपाध्याय जी, रंजन जी, बहुत सारे लोग जो अलग अलग जिलों से यहाँ हैं, SIRD का जो प्रशिक्षण संस्थान है जिले स्तर पर, उनके सभी प्रिंसिपल्स, बहुत सारी संस्थाओं के प्रमुख यहाँ हैं, नीति भाई हैं, नीति भाई लोक चेतना समिति वाराणसी से हैं, राकेश पांडे जी हैं श्रमिक भारती कानपुर से, फादर जैसन हैं गोरखपुर से, पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति से, फादर आनंद हैं वाराणसी से, राम पप्पू जी हैं मिशन समिति से, जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं यहाँ पर इस समय, वो भी शामिल हैं, चेन्नई से सीधे जुड़े हुए हैं, ज्योति पाटिल जी हैं, ज्योति पाटिल जी इस समय नैनीताल में हैं लेकिन मिशन समिति के साथ जुड़ी हैं, और बहुत बड़े स्तर के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय समन्वयक, जिला समन्वयक, और बहुत संदर्भ व्यक्ति, और बहुत सारे दूसरी सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और स्वैच्छिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम जैसा कि अभी रंजन जी संचालन करते समय बता रहे थे कि गांधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को लेकर के, और लू साहब ने
जो मानव जीवन की बेहतरी के क्या आयाम हो सकते हैं और उसमें एक मनुष्य की जो उत्कृष्ट कोटि का मनुष्य है उसकी भूमिका क्या हो सकती है और हर मनुष्य अपने को कैसे उत्कृष्ट बना सकता है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए हमें, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए धन्यवाद। तीसरी सरकार अभियान, पिछले साल हम लोगों ने पंचायत पार्लियामेंट किया, उसमें SIRD, NIRD, मिशन समृद्धि और तीसरी सरकार अभियान, ये चारों संस्थाओं ने मिल करके इस पूरे कार्यक्रम को किया था पंचायत पार्लियामेंट का। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में बड़े सघन रूप से हुआ था और उसके अंत में जब हम लोग SIRD में थे, यहाँ पर अंतिम जो राज्य स्तरीय पंचायत पार्लियामेंट हो रही थी, उसके साथ जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद जो आगे का प्लान बना था, उसी प्लान में ये निकल करके आया था कि हम लोग आने वाले दिनों में ग्रामीण नेतृत्व विकास का कार्यक्रम चलाएंगे। क्योंकि महसूस ये किया गया था पूरी चर्चा के दौरान कि पंचायतों को जो संस्थागत विकास की ओर ले जाना है, पंचायत एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता, राजतंत्र में तो राजा सरकार हुआ करता था, सरकार का सारा अधिकार रखता था, या लोकतंत्र में जो सारा अधिकार होता है निर्णय का, एक तरह से क्रियान्वयन का, वो अधिकार सरकारों के पास होता है, तो जनता या समाज सरकार को सौंपती है वो अधिकार, तो ये जो सरकार है वो व्यक्ति नहीं होता लोकतंत्र में, वो संस्थाएं होती हैं। तो जब जमीनी स्तर के लोकतंत्र के रूप में पंचायतों को स्थापित किया गया है संविधान ने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में पंचायतों को स्थापित किया, लोगों की अपनी सरकार, तो जब सरकार के रूप में किया है तो स्वाभाविक है पंचायत का एक संस्थागत स्वरूप बनना चाहिए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के ज्यादातर और देश के अधिकांश, कुछ राज्यों को छोड़ दे तो अधिकांश राज्यों में पंचायतों का संस्थागत स्वरूप उस तरह से उभर करके सामने नहीं आया है जैसा होना चाहिए था। जब हम संस्थागत स्वरूप कहते हैं तो अगर हम ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर लें तो तीन तरह की संस्थाएं गांव के स्तर पर दिखाई पड़ती हैं, जो संविधान ने जिस तरफ या राज्य के अधिनियम में जो संस्थाएं निर्मित की गई हैं या जिनका प्रावधान किया गया है। पहली संस्था है ग्राम सभा, जो सारे मतदाताओं से बनती है, जिसको निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरी संस्था है ग्राम पंचायत, जो चुने हुए सदस्यों से बनती है और जिसमें एक अध्यक्ष भी अलग से चुना जाता है, जिसको आप ग्राम प्रधान कहते हैं। बहुत सारे राज्यों में चुने हुए सदस्य अपने बीच से ही ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच चुनते हैं, उत्तर प्रदेश में वो सीधे चुना जाता है, लेकिन जो पंचायतें बनती हैं, ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत या जिला पंचायत, ये चुने हुए सदस्यों से बनती हैं, इसलिए ब्लॉक और जिले के स्तर पर सदस्य ही अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायतों में संविधान ने ये छूट दी थी कि राज्य अपने हिसाब से प्रावधान कर सकता है अध्यक्ष का, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का प्रावधान है कि वो सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा, गांव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर सदस्य सीधे सदस्यों लेकिन पंचायत सदस्यों से बनती है। और तीसरी संस्था बनती है ग्राम पंचायत के अंदर, और वो बनती है जो कमेटियां हैं, 6 कमेटियां हैं। तो ये हुआ कि जब तक इन ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का और समितियों का संस्थागत विकास नहीं होता, अर्थात ये एक इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं काम करती, तब तक पंचायती राज या ग्राम स्वराज, क्योंकि गांधी के जो ग्राम स्वराज था गांधी का, उसके 12 बुनियादी सिद्धांत थे, उन 12 बुनियादी सिद्धांतों में 11वां बुनियादी सिद्धांत पंचायत थी, लेकिन ऊपर के जितने सिद्धांत थे, चाहे वो मनुष्य की सर्वोच्चता का हो, चाहे वो श्रम की प्रतिष्ठा का हो, या जितने तरह के इस तरह के थे, स्वदेशी का हो, स्वावलंबन का हो, ट्रस्टीशिप का हो, ये जितने सारे उन्होंने दिया था, बुनियादी शिक्षा का हो, ये सारे बुनियादी सिद्धांतों में पंचायत ही वो मूल तत्व थी। गांधी जी का मानना था कि जो इस पूरी व्यवस्था को बनाएगी, जिसके माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा, तो अर्थात पंचायतें ग्राम स्वराज्य का आधार बनती हैं, जमीनी लोकतंत्र का। तो ये देखा गया कि पंचायतों को जब तक संस्थागत स्वरूप नहीं होगा, तब ये तो उसी संस्थागत स्वरूप की जो दिक्कतें थी वो देखा गया, और ग्राम पंचायत के स्तर पर कि जो वहां वार्ड मेंबर चुना जाता है,
उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक है। अगर हम आंकड़ों में उस चिंताजनक स्थिति की बात करें आप सबको के संज्ञान में लाने के लिए, तो 2015 का अगर पंचायत चुनाव हम अपनी दृष्टि में रखें तो 2015 के पंचायत चुनाव में 7,42,269 वार्ड मेंबर के पद थे, अर्थात 7,40,000 से ज्यादा सदस्यों की के पद थे। उसमें से जब पंचायत का चुनाव हुआ तो जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा चौंकाने वाला आया। पहला रिजल्ट तो ये आया कि लगभग उसमें से 3,00,000 से ज्यादा पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ था। निर्विरोध चुनाव पंचायत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निर्विरोध चुनाव सन्नाटे का हुआ निर्विरोध चुनाव, बिना उस वार्ड की सहमति के, अर्थात कोई खड़ा ही नहीं हुआ है ज्यादातर जगहों पर, तो एक कोई आदमी खड़ा हो गया वो निर्विरोध चुनाव हो गया। दूसरा, करीब 133,138 पद जो थे वो खाली रह गए थे, उन पदों पर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में। परिणाम ये हुआ कि 22% ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अर्थात उनका गठन नहीं हो सका। वो लगभग 13,000 की संख्या बनती थी, 13,000 से ज्यादा की संख्या बनती थी ग्राम पंचायतों की। तो ये एक अच्छा, जो चुने गए, जो लोग चुनकर आए, जब उनका हम लोगों ने प्रतापगढ़ और सोनभद्र में उनका सर्वे किया था, तो उस सर्वे में ये निकल करके आया कि इसमें से 99% लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी अपनी भूमिका के बारे में, अपनी कौन किस कमेटी का मेंबर है ये भी नहीं पता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये लगा कि अगर हम जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है और ग्राम पंचायत जो सबका बेस है, ग्राम सभा जो सबका आधार है सारे पंचायती राज सिस्टम का, पंचायती राज सिस्टम ही नहीं बल्कि आप मान लीजिए देश की पूरी राज्य व्यवस्था और पूरी पूरे के पूरे शासन तंत्र का आधार बनती है, उस ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को अगर बेहतर बनाना है और गांधी के ग्राम स्वराज के खुशहाली के इस सपने को पूरा करना है, तो स्वाभाविक रूप से हमें पंचायतों के संस्थागत विकास की दिशा में जब आगे बढ़ना है तो ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करना पड़ेगा। ग्रामीण नेतृत्व विकास का निर्णय उसी सम्मेलन में लिया गया था, उसी पंचायत पार्लियामेंट में, और यह तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा। और उस समय लू साहब की बड़ी प्रेरणा थी इसके लिए, बल्कि उन्होंने तो पूरा एक डिजाइन लू साहब ने बना दिया था कि प्राण साहब आप लोग निकल जाइए, यात्राओं पर निकल जाइए, गांव गांव जाइए, पूरा इसका पूरा वो जाना चाहिए, और जो टिकाऊ विकास का है, सतत विकास का लक्ष्य है, उसको इसके साथ जोड़ करके और उसी के आधार पर ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करने का प्रयास किया जाए। हम लोगों ने फरवरी में इस काम को किया भी था। फरवरी में एक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के 70 जिलों के लगभग 150 से ज्यादा साथी वहां इकट्ठे किए गए थे जो मुख्य कार्यकर्ता थे, और उसमें इसी पर हुआ था। फिर अंतिम दिन लू साहब थे और भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार जी वो भी थे पंचायती राज के, और अंत में इन लोगों ने पूरा एक जो हम लोगों ने प्लान बनाया था उसको अपना मार्गदर्शन अपना एक तरह से सहमति दी थी और बहुत सारी नई चीजें बताई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि फरवरी के बाद फिर मार्च आता है और मार्च में लॉकडाउन लगता है और तब से अब तक फिजिकली कुछ काम करना संभव नहीं रह जाता, और चुनाव भी अभी टलने जा रहा है। जैसे अभी जो आ रहा है कि मार्च और अप्रैल में चुनाव होने जाएगा, इस स्थिति में ये हुआ कि अब समय आ गया है कि हम ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करने का कार्यक्रम चलाएं और इस समय पंचायत के लिए बेहतर नेतृत्व निकाल आए। जैसा लू साहब कह रहे थे कि वो ग्राम पंचायत के लिए, ब्लॉक पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए एक बेहतर नेतृत्व निकल करके आए। और मैं फिर याद दिला रहा हूं कि पंचायतें सदस्यों से बनती हैं, संविधान में लिखा गया है, 73वां संविधान संशोधन कहता है कि तीनों स्तर की पंचायतें चुने हुए सदस्यों से बनेंगी, अर्थात पंचायत बनती सदस्यों से है। तो इसलिए सदस्यों पर हमको फोकस करते हुए और इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहिए, ये पूरे की पूरी इसकी अवधारणा थी, पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट था। अब इस कार्यक्रम को शुरू कैसे करेंगे, ये कार्यक्रम चल कैसे चल सकता है, इसके लिए बाकायदा पिछले कुछ महीनों से, और बल्कि पंचायत पार्लियामेंट से पहले भी एक बार कानपुर में, झांसी में
और गोरखपुर में हम लोग बैठे थे इसी ग्रामीण नेतृत्व विकास को लेकर के। और अभी जाकर के पिछले 1.5 महीने से लगातार वर्कशॉप हो रही है, वेबिनार्स हो रहे हैं ग्रामीण नेतृत्व विकास को लेकर। उसका एक डिजाइन बनाया गया है, एक उसकी उसका प्रारूप बनाया गया है जो तमाम साथियों ने आपस में चर्चा करके बनाया था प्रदेश के। और अभी 18 नवंबर को उसका एक प्रारंभिक शुरुआत जो है, जो लोक चेतना समिति के नीति भाई हैं, नीति भाई जी जेपी मूवमेंट से जुड़े थे। नीति भाई जी की उम्र जो है वो 85 साल के आसपास है, लेकिन वो पूरी जमीनी स्तर पर पिछले 20 सालों से ग्राम पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं और करीब 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में सघन रूप से वाराणसी में काम कर रहे हैं। उन्होंने 80 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को, वो वहां के कार्यकर्ताओं को बुला करके 18 तारीख को एक दिन की कार्यशाला बनारस में की, और वहीं पर उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत भी अपने लेवल पर कर दी थी, अर्थात जिले स्तर पर। अब उसे आज का ये जो सेमिनार है वो इस बात के लिए है कि हम राज्य स्तर पर और विशेष करके जहां SIRD जैसी संस्था जो कि ग्रामीण विकास के लिए ही प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और राज्य सरकार का एक बड़ा निकाय है वो, और हीरा लाल जी जैसे हो, जो अभी जिलाधिकारी जब बांदा थे हीरा लाल जी ने वहां पानी को लेकर, जल संरक्षण को लेकर के अद्भुत काम किया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। और इतना ही नहीं बल्कि गांव के समग्र विकास का एक चित्र उन्होंने बनाया, एक मैनोफेस्टो बनाया है, पूरा का पूरा एक घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया है, एक पूरा प्रारूप तैयार किया है जो अभी वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे जहां तमाम, और मिशन समृद्धि तो पूरे देश में ग्रामीण विकास के लिए अपनी तरह से जितनी कोशिश हो सकती है खुद न, मतलब वो तो सपोर्ट करती है संस्थाओं को जो इस काम में लगे हैं, और इसीलिए यहाँ राम पप्पू जी हैं, ज्योति जी हैं, कि ये अगर उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग चल रहा है तो उसका जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है और कम्युनिकेशन मटेरियल प्रॉपर तरीके का कैसे विकसित किया जा सकता है इसी मटेरियल, उसमें वो पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं वो लोग। तो आज जो हम लोग बैठे हैं सर, मैं सिर्फ अब उस पर चर्चा कर रहा हूं अंत में कि क्या प्रारूप है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, पता नहीं दिखा पाए, अगर दिखा दें तो ज्यादा अच्छा होगा, सारे साथी देखेंगे तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूं, बता सकता हूं, नहीं खैर मैं मौखिक रूप से उसको कह रहा हूं, उसको रहने दें। सॉरी आ गया है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये प्रस्तावित कार्यक्रम और रणनीति क्या हो सकती है। अगला स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट। ये है कि हम एक जिले में 5 से 10 क्लस्टर को अगर ले लें, 5 से 10 क्लस्टर बनाए, एक क्लस्टर जो है 5-5 ग्राम पंचायतों का बनेगा, तो 5-5 ग्राम पंचायतों के अगर हम पूरा जिला ले लेना तो बड़ी बात होगी। जितना न्यूनतम हम देखें कि अगर 5 से 10 गांव का क्लस्टर ले सकते हैं, अर्थात 50 ग्राम पंचायतें ले सकते हैं, तो वहां इस काम को शुरू करें, और हर ग्राम पंचायत से कम जो सदस्य के रूप में आगे आना चाहते हैं, अगर ग्राम प्रधान के रूप में भी कोई इस विचारधारा के साथ आना चाहता है तो उसको भी जोड़ना चाहिए, लेकिन फोकस फिर करना चाहिए हमें वार्ड मेंबरों पर और BDC मेंबर्स या जिला पंचायत सदस्य, लेकिन उस पर भी बहुत हो जाता है। अगर हम पूरा फोकस ग्राम पंचायत पर करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, उसके साथ फिर सारी जगह चीजें अच्छी बन जाती हैं। तो करीब 10 से 15 लोग वहां चिन्हित किए जाएं जिन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया जाना है, तैयार मीन्स मोटिवेट किया जाना है, और कम से कम उनको पंचायती राज सिस्टम के बारे में एक सामान्य जानकारी दी जा सके कि भाई जिस पंचायती राज के आप सदस्य बनने जा रहे हो, अब सदस्य क्या है, आप ये देखिए कि अगर ग्राम पंचायत अपनी गांव सरकार है तो उस गांव सरकार का वो सदस्य मंत्री है, जो अध्यक्ष चुना जाता है वो प्रधानमंत्री है एक तरह से, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा है, और वो मंत्री जैसा है, उसे जो तीन कमेटियों का वो सदस्य होता है, और 29 विषय जो पंचायतों को दिए गए हैं 6 कमेटियों में बांट दिए जाते हैं, तो जिस कमेटी का वो सदस्य होता है एक तरह वो हर कमेटियां मंत्रालय है, संयुक्त मंत्रालय है, और वो उसका एक सम्मानित सदस्य होता है, और 4 कमेटियां ऐसी होती हैं जिसका वार्ड मेंबर ही उसका सभापति होता है, सरपंच प्रधान उसका सभापति नहीं होता, उसका सभापति जो होता है वो वार्ड मेंबर होता है।
यहां तक कि निर्माण समिति का जो निर्माण समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, उस निर्माण समिति का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो वार्ड मेंबर होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, उसको ये पता चले कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसको इस पद के लिए सौंपी जा रही है, तो इस पद की महत्ता उसको समझाया जा सके, क्योंकि आज की तारीख में वार्ड मेंबर के पद का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए तो लोग नहीं उसके लिए आगे आ रहे हैं। जिस दिन इसके महत्व को समझ जाएंगे वो, और दूसरे सही महत्व रचना के अर्थ में है, सृजन के अर्थ में है, गांव के विकास के अर्थ में है, त्याग के अर्थ में है, ये समझ करके जब लोग आएंगे आएंगे तब जाकर के चीजें आगे बढ़ सकेंगी। तो इसीलिए कहा गया था कि इस तरह के, और इसमें महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा, अगली स्लाइड। शायद अगली स्लाइड पर फिर इसके बाद यह तय किया गया है कि इसका प्रोग्राम क्या होगा। इसमें इसमें जो पहला प्रोग्राम तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम हर गांव के स्तर पर नेतृत्व के लिए सही लोगों की पहचान की जाए। गांव में नेतृत्व की कमी नहीं है, गांव में बहुत सारे ओपिनियन लीडर्स हैं, गांव में बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स हैं। जो ओपिनियन लीडर्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर में देखिए कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर चार पांच खेलकूद के क्लब ना बने हो। अभी दुर्गा पूजा जब आता है तो कितने मूर्तियां लग जाती हैं, कितनी जगह कमेटियां बन जाती हैं, रामलीला कमेटियां बन जाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में ऑलरेडी हैं, किसान क्लब हैं, अब तो यह पीओ भी बनने लगा है। तो लीडरशिप की कमी नहीं है गांव में, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो तमाम अलग अलग खानों में बटी हुई लीडरशिप है अलग अलग सेक्टर की, वो लीडरशिप अपने को कहीं पंचायत के अम्ब्रेला के बीच में जोड़ करके देख नहीं पा रही है। वो उसके साथ अपने लिंक को महसूस नहीं कर पा रही है कि वो मेरा लिंक क्या होगा, जबकि ये सारी गतिविधियां 29 सब्जेक्ट के अंतर्गत होती हैं। पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जिसको बाकायदा अधिनियम और संविधान ने कुछ दायित्व दिया है और कुछ प्राधिकार दिया है। दूसरी तरफ 14वें वित्त आयोग से और तमाम राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से करोड़ों की धनराशि गांव में आ रही है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर ढंग से देख सकें और गांव की पूरी ऊर्जा और गांव की लीडरशिप अगर एक दिशा में लग सके तो शायद जाकर के एक बड़ा काम जो है वो निकल के आ सकता है। और गांधी के ग्राम स्वराज्य का सपना, और आज भी ग्राम स्वराज अभियान भारत में चल रहा है, प्रधानमंत्री का उस पर बहुत फोकस है, शायद उस दिशा में हम एक बड़ी जिसको कहते हैं सफलता अर्जित कर सकते हैं, बहुत सारे नए प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। तो ये था कि ये क्लस्टर लेवल पर उसका चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हीकरण करने के बाद उसका एक ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए, उसको एक दिन की दो दिन की कार्यशाला करके उसको पूरे पंचायती राज सिस्टम और जिस पद जिसके लिए वो उम्मीदवार बनना चाहता है अपनी भूमिका को ठीक से समझे। और उसके बाद अभी अगर वो है तो एक चीज और कि वो कैसे लोकप्रिय प्रत्याशी हो सकता है कि अपने वार्ड में हर आदमी उसे ही मान ले, क्योंकि वार्ड कोई बड़ा नहीं होता, 15 से 20 से 25 घरों का एक वार्ड होता है उत्तर प्रदेश में सामान्यतया, करीब 150 आबादी का, 150 से 200 की आबादी की। तो 150 आबादी का जो वार्ड हो रहा है उस 150 आबादी के वार्ड पर वो अपने आप को बहुत कैसे लोकप्रिय बना ले आगे आने वाले 3-4 महीनों में, कैसे वो अगर सच में वो नेतृत्व करना चाहता है तो नेतृत्व की जो विशेषताएं होती हैं, नेतृत्व का जो व्यवहार होता है, नेतृत्व के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उसको तो धारण करना पड़ेगा ना। कुछ तो वो जन्मजात लेके आया होगा, कुछ उसने सामाजिक जीवन में सीखा होगा, और इस विशेष अभियान के लिए उसे किस तरह के अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी है उस पर एक उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तब उसको ये भी किया जाए कि उसको आगे के लिए उसका एक प्लान बनाया जा सकता है कि जो वो अगले 2 महीने 3 महीने का जो समय है उसके लिए कम से कम, जो अभी बात कर रहे थे ना रंजन जी कि भौतिक विकास ही नहीं मानव विकास और सामाजिक विकास के कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसमें कोई बजट नहीं लगता, वो जीरो बजट का होता है, लो बजट का होता है, कम बजट का होता है या बिना बजट का होता है। अगर आज की और
दूसरा ये है कि जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उन सतत विकास के जो 11 लक्ष्य सीधे पंचायतों से जुड़ते हैं, उनमें से करीब 8 लक्ष्य ऐसे हैं जिनको बिना किसी बहुत बड़े साधन के किया जा सकता है, और उस दिशा में वो शुरुआत कर सकता है, अपने अपने वार्ड का सर्वे कर सकता है। सबसे पहले तो यही देख सकता है कि उसके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि जीपीडीपी के अंदर कहते वार्ड मेंबर की यही जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीजें अगर हम अभी चुनाव से पहले ही, जो वहां पर इस तरह के लोग तैयार होते हैं, उनको ये सारी जानकारियां दे सकें, ये कौशल उनके अंदर हो, कुछ उनका अभ्यास शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से एक बेहतर नेतृत्व निकल करके आएगा। और चुनाव के बाद जो लोग चुन करके आ जाते आएंगे, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित हों। मैं लू साहब से एक दिन चर्चा कर रहा था कि जो इलाहाबाद में 3 दिन की कार्यशाला हुई थी, उसके बाद जब लौट कर सेक्रेटरी साहब गए हैं, तो भारत सरकार ने यह तय किया है कि पूरे देश में वार्ड मेंबरों का प्रशिक्षण किया जाएगा। और इसके लिए पिछले दिनों एनआईआरडी ने लगभग 1,000 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण किया है, 4,500 मास्टर ट्रेनर्स इसके लिए तैयार किया, अर्थात भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है या तैयारी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है कि अब हम वार्ड मेंबरों की, जिनकी संख्या लगभग 30 लाख से ज्यादा होती है, लगभग 31 लाख होती है, तो 31 लाख वार्ड मेंबरों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है राष्ट्रीय स्तर से, लेकिन हम सबकी भूमिका तो ग्राम स्तर पर है, जमीनी स्तर पर है, वहां इसको हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ये इसके साथ था। दूसरा ये था कि अब इसके लिए हमें क्या रिसोर्सेस चाहिए, हमें इसके लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। थोड़ा इस स्लाइड को आगे कर दें तो आगे वाली स्लाइड दिखाई पड़ने लगेगी। एक तो ये होगा, नहीं ये पीछे गए और आगे जाइए आप। तो इसमें एक तो जिसमें है 3 प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन रणनीति। हाँ, इससे पहले का था। खैर, तो पहला ये था कि हाँ, ये कार्यक्रम, एक तो इसकी रणनीति ये है कि पूर्णतया स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। नेतृत्व की आपने पहचान किया, पहचान करके आपने उसको अपने साथ जोड़ा, और जोड़ करके उसके प्रशिक्षण का काम वही लोकल लेवल पर हो रहा है, तो बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व नहीं हो, खर्चा करना भी नहीं चाहिए अनावश्यक दिखावे के लिए। तो और अगर थोड़े बहुत जो जरूरी खर्चे हैं, उन खर्चों के लिए हमें उस पर आधारित होना चाहिए, स्थानीय साधनों पर। दूसरा था कि किसी ये भी हो सकता है कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो गांव से चले गए हैं, और अभी तो आपने देखा कोरोना संकट के बाद कितने लोग गांव लौटे, तमाम ऐसे सक्षम लोग हैं कि जब उनको लगता है कि इस पूरे अभियान को एक ग्राम पंचायत में चलाने के लिए 3,000-4,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा, न्यूनतम साधन 3-4 हजार से ज्यादा नहीं लगेंगे, तो वो 3-4 हजार रुपया कोई भी व्यक्ति कह सकता है मेरे गांव में अच्छी पंचायत बने। अच्छा प्रधान नहीं चुनने की बात मैं कर रहा हूं, अच्छा प्रधान चुना जाए बहुत अच्छी बात है, अच्छी पंचायत बनाई जाए, अच्छे सदस्य चुने जाए, पूरी पंचायत अच्छी बने, तो अच्छी पंचायत के लिए, बेहतर प्रभावी पंचायत के लिए कोई भी व्यक्ति 5-7 हजार रुपया सक्षम है तो खर्च करने को तैयार है कि ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, आप लोग करो अपने गांव में। तो ऐसा है कि ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश हो सकती है, कोई बंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, सब अपने गांव को लेकर के चिंतित है, जो लौट आए हैं उनमें कई सक्षम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कहीं से सीएसआर का या सरकार की किसी योजना का अगर होता है तो ठीक है, किसी बड़े एरिया में इस कैंपेन को चलाने के लिए सहयोग आप ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश रहे कि हम 70% कोशिश करें कि स्थानीय संसाधनों से हो, 30%, 20% हम कोशिश करें कि किसी व्यक्ति के आधार पर हो, 20 से 25%, और 5% का हम कोशिश करें कि हमें कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या एक तरह से प्रोजेक्ट बेस हमें इसे काम करना चले, प्रोजेक्ट मोड में इसको ले जाना पड़े, ये जन आंदोलन बने, जन अभियान बने, जैसे तीसरी सरकार अभियान पूरी तरह से जन अभियान है, तो वो जन अभियान बन सके तो शायद ज्यादा बेहतर हो। और इसके लिए अब ये करना होगा कि इस पूरे काम में जहां हमारे पास लू साहब जैसा नेतृत्व है, हीरा लाल जी जैसे लोग हैं, कि अगर
और उधर मिशन समृद्धि है, राम पप्पू जी हैं सब, अगर इन सारे लोगों का एक इच्छा शक्ति इसके साथ जुड़ रही है और इनके संकल्प इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसे एक बेहतर परिणाम की ओर ले जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रयोग के तौर से एक बड़ा अभियान बनाया जा सकता है, जन जन तक पहुंचा जा सकता है, बहुत सारी ग्राम पंचायतों तक पहुंचा जा सकता है, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो तीसरी सरकार अभियान के और सामाजिक संगठनों के यहाँ जुड़े हैं, और तमाम लोग, जैसे मैंने कहा, फादर जयसन और पांडे जी, शुभा बहन जो बनवासी सेवा आश्रम से हैं, और नीति भाई, फादर आनंद भी कम्युनिकेशन के बहुत एक्सपर्ट है, उनके द्वारा बनाए गए नुक्कड़ नाटक, और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े अभियानों में योगदान किया है। तो ऐसे लोग भी यहाँ इस समय मौजूद हैं इस वेबिनार में। मैं सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आदरणीय लू साहब के प्रति विशेष रूप से विनम्र है अभिवादन है उनका, और आभार है कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया, उन्होंने मौका दिया, धन्यवाद। बस एक चीज और निवेदन करूंगा कि आदरणीय ज्योति जी को और राम जी को जरूर थोड़ा समय दीजिएगा, रंजन जी, लास्ट में वो अपनी बात, अपना व्यू रख सकें, धन्यवाद, और चर्चा में और लोग जो भी भाग ले, धन्यवाद। ठीक है ज्योति, धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये आपने ज्योति जी की बात की, दूसरा नाम क्या था? आनंद। वही का बुलाई है, 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 है। तो ज्योति जी अगर चलो ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर प्रांशु, आपने अभी ग्राम स्वराज और व्यक्ति की गरिमा इसके विषय में जो हम लोग वेबिनार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस पर आपने विचार रखे, और निश्चित तौर पर इसमें आपने लंबे समय से काम किया है, आप की जो बातें रही है उसका जो मूल रहा है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित समितियां जो हमारे प्रदेश में वर्तमान में जिनकी संख्या 6 है, इसको किस प्रकार से इसके संस्थागत विकास के लिए सभी प्रयास करें, ये बड़ा ही विचारणीय बिंदु है। निश्चित तौर पर जो बातें आपने बताई है वो हम उसे कई लोगों से सहमत होंगे, कई लोग उसको पहले से इसे भिज्ञ भी होंगे कि जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य है हमारे प्रदेश में, उनको अभी अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का भली भांति जितना ज्ञान होना चाहिए, शायद उसमें कुछ ना कुछ कमी है, जैसा आपने अपने रिसर्च और सर्वे के आधार पर भी बात निकाली है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो हमारी पंचायतें हैं, ये स्थानीय स्तर पर मूल तत्व है, जो डेमोक्रेसी की हम अगर ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, तो ग्राम स्तर पर जो पंचायतें हमारी हैं ये बेसिक हैं, और यहीं से सारी लर्निंग्स आती है लोगों को, यही से सारी चीज जुड़ी होती है, पर यही बेसिक यूनिट भी है, स्थानीय स्तर पर मूल आधार भी यही है, इकाई भी यही है। पर आपने जो बात बताई जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का विकास किस प्रकार किया जाए और जो उसमें पंचायतों को सशक्त किस प्रकार किया जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। निश्चित तौर पर इसी के लिए इसके क्रम में ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व हेतु तो उपयुक्त व्यक्तियों का चयन या निर्वाचन होना आवश्यक है। जैसा मैं प्रारंभ में ही आप सबसे निवेदन कर रहा था, किसी भी व्यवस्था, किसी भी चीज के संचालन में जो व्यक्ति उसको संचालित कर रहे होंगे, उनके उस चीज के प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो कितना सकारात्मक है, कितना सेवा भाव उनके अंदर है, कितनी पवित्रता के साथ ये सभी लोगों को काम बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इस पर सब चीजें निर्भर करती हैं। और जो पंचायत के जो महत्व है, इसको सृजन को लेकर, इसके विकास को लेकर, इसके सेवा भाव को लेकर, इसके त्याग को लेकर, महिलाओं और युवाओं पर और कमजोर वर्ग के लोगों पर बल देने जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपना विचार रखा, और इसके साथ ही जो अंत में जो बात आपने बताई कि पंचायतें हमारी जो है अच्छी हो, सशक्त हो, प्रभावी हो, सभी के लिए उपयोगी हो, और खासकर सभी के जीवन स्तर में सुधार और विकास करने की जो बात है, जन जन तक इसको पहुंचाने की जो बात है, वहां तक हमें जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे अन्य देशों में, एशियाई देशों में और सभी जगह जगह कई प्रकार के चिंतन चलते रहते हैं, कई देशों में कई प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, तो
हमें अभी मौलिक रूप से अभी पंचायतों के सशक्तिकरण पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राण से और डॉक्टर प्राण सर। और अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले वार्ता के लिए, जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, डॉक्टर हीरालाल सर हैं। और जो बातें अभी आई हैं उनका समझिए, जैसे कोई चीज होती है उसका जो पहला भाग होता है और अगला भाग होता है, तो जो चीजें अभी तक हुई है उसके अगले पार्ट के रूप में मैं समझता हूँ कि बड़े उपयुक्त रहेंगे डॉक्टर हीरालाल सर। जो जैसा आपने बताया कि आप आईएएस अधिकारी हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर आपने बड़े उत्तरदायित्व के साथ काम किया है, और खासकर बांदा जिले में लंबे समय तक जब आप जिलाधिकारी के रूप में रहे हैं, तो आपके मानवीय गुण, मानव मूल्यों के प्रति आपकी निष्ठा और संवेदनशीलता बहुत अच्छी तरह से लोगों तक वो बात परिलक्षित हुई, लोगों तक वो गई है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए, जैसा एक सेमिनार में मैं अपने माननीय महोदय के निर्देशन पर वहां पहुंचा था, तो वहां आपको मैंने सुना था किस प्रकार जल संरक्षण के क्षेत्र में अपने स्थानीय स्तर पर बहुत कम वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जनपद में, तैनाती के जनपद में वाटर लेवल को ऊंचा करने के लिए अपने आसपास के एरिया से किस प्रकार कार्य किया, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, पारदर्शी और सहभागी प्रशासन के क्षेत्र में आपने बड़े निष्ठा के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है, और समग्र विकास के लिए एक मॉडल किस प्रकार से बनाया जाए इसको आपने मूर्त रूप दिया है। मेरे एक मैनिफेस्टो और उसके साथ उससे जुड़े हुए बिंदुओं की एक लंबी सूची है, जिसके बारे में मैं और कुछ न बताते हुए बड़े आदर के साथ सर से अनुरोध करूंगा कि वे विनय मैनिफेस्टो और अपने जो बिंदु है, विषय है, उसके बारे में हमारे सभी सम्मानित साथियों को, सम्मानित प्रतिभागियों को अपनी वार्ता प्रदान करने का प्रश्न करें। आदरणीय डॉक्टर हीरालाल सर। थैंक यू। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज आ रही है सर, बहुत क्लियर आवाज आ रही है सर। ओके थैंक यू। तो मैं इस वेबिनार में आप सभी लोग स्वागत करता हूं, और लू सर का जो बेसिक नेचर है जरूर है, लेकिन उनका बेसिक नेचर यह है कि समाज रातों दिन इस बात के बारे में चिंतित रहते हैं, और ये उनकी जो क्वालिटी है कि समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे संपन्न हो, समाज में कैसे खुशहाली आए, ये क्वालिटी बहुत कर ऑफिसर में मिलता है। ऑफिसर तो बहुत सारे लोग हैं, और मैंने जो महसूस किया कि अगर सर को कोई बात अपील कर गई तो उसमें वो देरी नहीं लगाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी ये मेरा आज गांव के विकास पर दूसरा चर्चा है। एक दिन हम लोग आपके बक्सी के तालाब से ही इस पर चर्चा किए थे, वैसे मेरा अभी तक तो उसका नाम है विलेज मैनिफेस्टो। देखिए मेरा ये मानना है अनुभव के आधार पर, ये कोई मेरा कोई सरकारी वर्जन नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, अगर यहाँ लोगों को रोजगार, सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, और गांव की गरीबी को और गांव की बेरोजगारी को कम करना है, खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम करना है, तो गांव के मॉडल को गांव के विकास पे ही जोर देना होगा। इसका मतलब यह है कि गांव में जो एक्टिविटी है वो एग्री एक्टिविटी है, ये पूरा प्रदेश जो है एग्री रिलेटेड एक्टिविटी पे आधारित है। यहाँ का गांव का आर्थिक विकास है वो, और कृषि चूंकि फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे गांव के इस कृषि के अपार जो एक संभावना है उससे लोग धीरे धीरे कटते चले गए। युवा तो बिल्कुल ही कृषि की तरफ देखना नहीं चाहता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और एहसास है। तो हम लोगों को अब ये सोचना है कि लोगों को गांव की तरफ कैसे मोड़ें, लोगों को गांव की तरफ कैसे लाया जाए। तो इसीलिए एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका कि प्रयोग हमने किया बांदा में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वहां का भी टोटल आधार, वहां का जो आर्थिक आधार है जनपद का, वो कृषि है। कैसे कृषि को कृषि व्यापार में बदला जाए, अभी गांव में केवल कृषि है, उसमें व्यापार शब्द कैसे जोड़ा जाए, ये हम लोगों का मकसद था। इसके लिए हम लोगों ने समय समय पर बहुत सारे काम किए बांदा में, पानी पे काम किया, किसानों को ज्ञान यात्रा पर भेजे रालेगांव सिद्धि, जिससे वो जाएं सीख के आए कैसे मॉडल गांव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। गांव की जो इंटरप्रेन्योरशिप महिलाएं हैं उनको कई जगह बाहर ट्रेनिंग पे भेजा,
तो जाएगा कि वहां का जो पानी एक साल में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा बिना किसी एक्स्ट्रा फंड के, एक बात। दूसरा इंडिकेटर वहां की क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। दूसरी बात, हमने किसी से कुछ एक्स्ट्रा ना लिया, ना मांगा और ना मिलना था मांगने पे। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हम लोग गांव में विकास के एजेंडे को ले जाएं और उसको वहां स्थापित करें हो सकता है। तो मैं इसी पर, ये मेरा मुद्दा है, एक प्रोजेक्ट है मॉडल गांव, और ये मॉडल गांव का मकसद कुछ नहीं है, कैसे एक गांव को एग्री बिजनेस में, कृषि से कृषि व्यापार में बदल दिया जाए। अब ये काम करने के लिए हमने इसको एक प्रोजेक्ट बनाया और इस पर हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को खूब मजा आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा वो शेयर कर दें आप लोग पीपीटी, वो एक पेज का जो वो है, कर देंगे क्यों? हाँ, अभी हमने था कहा था शेयर कर, हाँ यस ये है, ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये मॉडल गांव को बनाने के लिए हमने इसमें देखिए लिखी है 3 बातें। इसमें जो 3 बातें लिखी है मुख्य कार्य, पहला कार्य तो ये है इसका, गांव में विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना। अभी गांव में कुछ पता ही नहीं है गांव वालों को। देखिए, हमें अब सीमित केवल प्रधान और प्रधान सदस्य तक, प्रधान सदस्य सीमित रह के इन्हीं तक बात करके हम लोगों को अभी जमीन का नहीं कुछ है। तो इसलिए हमारा इसमें गांव घोषणा पत्र के माध्यम से गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, ये जो हमने ये 25 मुद्दे ये लिखे हैं, 25 मुद्दे ये देखिए ये लिखा हुआ है, इन मुद्दे पर गांव के हर व्यक्ति को जागरूक करना है, उसको इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी देनी है, जिससे गांव में विकास एक मुद्दा बने। अभी क्या है, गांव में कुछ मुद्दा ही नहीं है। वहां मुद्दा क्या है कि लोग अनाप शनाप की बात करते हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है सदुपयोग करने का। तो अगर हम ये 25 जो मुद्दे हैं, ये कोई फाइनल 25 मुद्दे नहीं है, ये 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ये टेंटेटिव 25 मुद्दों को इस विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से यदि हम गांव-गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आदमी को इसको रटवाएं, इसको समझाएं, तो वहां एक माहौल बनेगा और लोग इस मुद्दे पे काम करेंगे धीरे धीरे। कहावत है कि पहले सपना देखना चाहिए। जब पूरे गांव के लोग ये 25 सपने, ये एक मॉडर्न गांव का ये जो पहला स्टेप है, इस पर जब सपना देखने लगेंगे, ये जो मैं कर्सर चला रहा हूं, एक माहौल बनेगा, और जब माहौल बनेगा तो गांव का कृषि व्यापार में बदलेगा। तो पहला काम है विलेज मैनिफेस्टो। अब एक बात मैं और बता दूं, मैनिफेस्टो का जैसे आप नाम लोग लेते हैं तो उसका मतलब लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये तो इलेक्शन से मतलब है। मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर पढ़ाई की, आप भी पढ़ लीजिएगा, गूगल में केवल मैनिफेस्टो डाल दीजिए। मैनिफेस्टो 1000 तरह के होते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, कई तरह के मैनिफेस्टो में इलेक्शन मैनिफेस्टो एक प्रकार है। ये मैनिफेस्टो गांव के विकास का मैनिफेस्टो है, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है इसका, ये गाँव के विकास से, गाँव उन्नति से, गांव के खुशहाली से और गांव के संपन्नता से लेना देना, ठीक है। अब जब ये बात हो गई कि सारे लोगों को, इसमें समय लगेगा, इस पर हम लोग एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कैसे इसको लागू किया जाए। जब गांव के प्रत्येक को विलेज मैनिफेस्टो की जानकारी, चर्चा होने लगेगा, लोग इस पर स्वयं पढ़ाई करने लगेंगे, अध्ययन करने लगेंगे, तो वहां का माहौल, जैसे कहते हैं ना कि किसी गांव में अगर कोई पूरा गांव बुराई की तरफ चला जाता है, यदि किसी गांव में एक अच्छा माहौल है तो वो गांव अच्छाई की तरफ चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दौलतपुर एक गांव है जनपद बाराबंकी में, एक राम शरण जी कक्षा 8 फेल किसान है, केला बनाना के नाम से जानते हैं, वो कक्षा 8 है। उन्होंने अपने गांव में खेती शुरू की, केले की, टमाटर की, आलू की, आज वो पूरा जनपद नहीं 8-10 जनपद बन गया। क्या मतलब हुआ, एक माहौल बना। तो हम एक माहौल विलेज मैनिफेस्ट
गांव में स्थापित करना है विकास का। पहला ये है पार्ट वन मॉडल गांव का। दूसरा पार्ट, अब जब ये माहौल बन जाएगा तो इसको करेगा कौन, कैसे करेगा? तो हर गांव में 8, 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे होते हैं जिसमें सामाजिक काम करने की क्षमता होती है, वो अपना घर द्वार अपने आप को बेच करके समाज को आगे ले जाने की उनमें जोश होता है, लालसा होती है। हमें ऐसे लोगों को हर गांव से छांटना है और उन्हें हमें चेंज मेकर बनाना है, जिस हो सोच हो और वो क्वालिटी हो। ऐसे लोगों का बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पर एक फॉर्मेट बनाया है और उस पे हम उनका चयन करें और उनको चेंज मेकर बनाया जाए। तो चेंज मेकर कैसे बनाएंगे? चेंज बनाने का सपना दिखाना होगा उन्हें। तो हम लोगों ने रिक्रिएशन, एजुकेशन विथ रिक्रिएशन एक शब्द ला रिक्रिएशन भी होगा और उनका व्यक्तित्व उनका काम देख करके उनका एजुकेशन भी होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज मेकर के रूप में कन्वर्ट होंगे। हम उन्हें गुजरात भेजेंगे, हम उन्हें महाराष्ट्र भेजेंगे, हम उन्हें रालेगांव सिद्धि भेजेंगे, वो टूर पे जाएंगे और इसका खर्चा वो खुद वहन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो कनेक्ट नहीं है, वो सोच नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं है। तो हम गांव में चेंज मेकर बनाएंगे, चेंज मेकर की क्वालिटी रखने वाले लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें बेस्ट पे देश में विदेश में भी का हम लोगों का कार्यक्रम है वहां भेजेंगे। और ये काम मैंने बांदा में किया, ये जितना भी मेरा प्रोग्राम है ये बांदा का में मैंने किया, वो अनऑर्गेनाइज्ड था। अब हम ऑर्गेनाइज तरीके से एक जनपद से उसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू करने का सपना देख रहे हैं। तो ये बांदा के कार्य पर आधारित है, ये कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम नया काम करते तो हमारा कॉन्फिडेंस या नहीं बनता, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, वहां अनऑर्गेनाइज तरीके से था, मतलब ऑर्गेनाइज, अब हम इसको ऑर्गेनाइज। तो हमारा पार्ट टू है सिलेक्शन ऑफ चेंज मेकर एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ रियल चेंज मेकर, ठीक है। अब पार्ट थर्ड होगा, हमने कहां से शुरू किया था कि गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, गांव को कृषि से कृषि व्यापार में बदलना है, गांव को एग्री से एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है, जिससे गांव की जो पूरी इकोनॉमी जो अभी घाटे का सौदा है, अगर गांव को आप एक कंपनी मान लीजिए, गांव एक कंपनी है, जैसे कंपनी होता है उसका एक मतलब फैक्ट्री होती है, उसकी एक वो होता है टाउनशिप होती है, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी, मैं एनटीपीसी में नौकरी कर चुका हूँ, फैक्ट्री होता था उसके चारों तरफ टाउनशिप, एक अगर वो पूरी बाउंड्री उसका जितने ज्यूरिडिक्शन है एक गांव मान लीजिए, तो गांव का जो अभी फैक्ट्री है एग्रीकल्चर वाली वो घाटे का है, घाटे का, हमें इसको मुनाफे में ले जाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन आज के डेट में जिसको सरकार हर स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, उसका नाम है एफपीओ। हमारा ये सपना है पार्ट थर्ड में कि जो चेंज मेकर होंगे उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में प्रत्येक गांव स्तर पे हम एक एफपीओ बनाना चाहेंगे और उस एफपीओ को बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बनवाना और उसे दूसरा शब्द है चलवाना, हैंड होल्डिंग करके उन्हें चलवाना पड़ेगा। तो होगा इससे क्या, जो गांव के लोग हैं वो पूरे गांव की इकोनॉमी एग्री से एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कन्वर्टर कौन है? एफपीओ है। एफपीओ की खासियत क्या है? एफपीओ की खासियत दो है। देखिए, कोऑपरेटिव सिस्टम गुजरात प्रदेश में उतना सफल नहीं रहा, तो गुजरात में अगर सफल हो इसका मतलब कि सफलता है, तो उसमें जो थोड़ी बहुत तब्दीली थी उसको दूर, एफपीओ में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है पहली बात, तो जब सरकारी कर्मचारी की वजह से जो दिक्कतें आती थी कोऑपरेटिव में उसको दूर कर दिया गया इसमें। दूसरा यह है कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी अधिनियम में, जिससे इसका स्टेटस बढ़ जाए देश विदेश और अन्य जगह पे कि ये कंपनी है, नहीं तो अगर कहीं दूसरे अधिनियम में रजिस्ट्रेशन होता था कोऑपरेटिव एक्ट में या चिट फंड में सोसाइटी में तो उसका वो स्टेटस, तो स्टेटस भी बढ़ा दिया कंपनी, टाटा की कंपनी, बिरला की कंपनी या जो भी कंपनी होती है उसी। तो ये हमारे तीन पार्ट
मार्फत हम लोग गांव के कृषि को कृषि व्यापार में बदल कर और उस पूरे गांव को बदल सकते हैं। और हमारा एक और मानना, प्रदेश पूरे देश को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूपी में ऑर्गेनिक फूड की जानकारी बहुत कुछ हमारे प्रत्येक आदमी, हमारे प्रदेश का हर आदमी जो गांव में रहता है, अगर उसको देखा जाए तो एग्री में पीएचडी है और एमएससी है, कागज वाला पीएचडी एमएससी नहीं, पढ़ा वाला पीएचडी नहीं, कढ़ा कागज को अपडेट करके वाला, कागज वाला पीएचडी एमएससी नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नो हाउ है, उसको अपग्रेड करना है। अब बात ये आ रही है इसको लागू कैसे किया जाए और ये कैसे बात को पहुंचाई जाए, तो हम लोग इसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं मॉडल गांव का। इसकी पहली शुरुआत है, हम पूरे प्रदेश के गांव-गांव में, यही नहीं हम मध्य प्रदेश सटा हुआ है, हम चूंकि बादाम रहे हैं तो वहां बहुत लोग इसको हम लोगों ने भेजा, आज तक इसके बड़े ही इनक्रेजिंग रिजल्ट आए हैं। अब इसका जब ये आदमी विकास की बात करेगा, ये करेगा, तो उसमें व्यवस्था चाहिए। अब व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था क्या है, ऑलरेडी अभी जैसा कि प्राण जी बता रहे थे, देश में पीएम, प्रदेश में सीएम और गांव में प्रधान, ये बात सही है, वो जो एक पैरेलल है वो यही है। लेकिन गांव की जो व्यवस्था है, जो हमारा सपना है संविधान का, या जो हम चाहते हैं, अभी साकार उस रूप में नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके बहुत सारे अनेकों कारण हैं। वही काम ये मतलब अभी जो प्राण जी बता रहे थे, थ्योरी है, ये कमेटी है, इतने सदस्य हैं और ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो जो धरती पे उतारना है, ग्राउंड रियलिटी पे उतारना है, उस पर ये हमारा सोच है, हम लोगों का ये कार्यक्रम है, और इसको हम लोगों को सबको मिलके करना है। अभी तक लू साहब के देख से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कई लोगों से हमें कनेक्ट किया, जब हम लोग उनसे इस पर बात करते हैं तो सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं और हाथों हाथ इसको लेते हैं और हाथों हाथ ले करके इसमें तुरंत जुड़ते हैं। और यही नहीं, जब मैंने अपने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भेजा तो मुझे इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बहुत सारे सीएसआर में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स आ रहे हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छा काम है, अगर ये लागू हो जाए तो हमारे हमारा प्रदेश भी गुजरात की तरह एक जो है इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, दूर लोगों का दिमाग खुल जाएगा, लोग धनी हो जाएंगे, अच्छा सोचने लगेंगे। तो अगर बांदा में ये सफल हो सकता है तो पूरे प्रदेश में ये सफल हो सकता है, और इस पर काम करने की जरूरत है। बात ये है आत्मनिर्भर, ये जो आत्मनिर्भर या गांव में राम कहते हैं राम राज और महात्मा गांधी जी का सपना, ये सब कुछ इसी में है, ये सब कुछ उसी मतलब ये हमारा मॉडर्न गांव, राम राज, गांधी जी का सपना, ये सब उसी के इर्द गिर्द। रामराज तो यही है ना कि गांव में सब लोग रोजगार वाले हों, सब लोग खुशहाल हों, सब लोग धनी हैं, तो ये रामराज लाने का, गांधी जी के सपने को साकार करने का बड़ा सफल फार्मूला है, इसमें कोई तामझाम नहीं, बस यही एक पन्ना अपने आप में पर्याप्त है। पार्ट वन, प्रत्येक गांव के तो गांव के प्रति आदमी तक पहुंचाना, उसके दिमाग में डालना, उसके कान में डालना, दिमाग में उसको डाल के घुमाना, प्रचार करना, अवेयर करना, जागरूक करना। पार्ट दो है सामाजिक लोगों को, प्रत्येक गांव जहां जहां चेंज मेकर, हम आपको बता दें वहां एक शर्मा जी हैं, भाषील शर्मा जी हैं, वो पद्मश्री हैं, वो कर रहे हैं, राम वर्मा जी चेंज है, ऐसे हर जिले में चेंज मेकर है, हमें उन चेंज मेकर के पास इनको भेज करके इनका दिमाग खोल और इनको चेंज मेकर बनाना, ये पार्ट टू है। और इन्हीं सारे पार्ट थर्ड में एक एफपीओ बनाने, ये कोई जरूरी नहीं हर गांव में, हमारा सपना है, प्लान है, हर गांव में बन गया तो ठीक है, नहीं तो न्याय पंचायत पे बनेगा, देखेंगे, लेकिन अभी हमारी प्रोग्रामिंग है। तो अगर सभी लोग में इसका अगले 5-6 महीने में हम लोग इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, गांव-गांव में माहौल बनाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मादा में एज ए कलेक्टर पानी को एक साल में बिना किसी बाहरी
सहायता एक्स्ट्रा सहायता के 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा सकता हूँ, 18.5% बढ़ती है, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो बाना में हो सकता है, तो पूरे प्रदेश में कहीं हो सकता है। सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। वहां पे हमने अनऑर्गेनाइज्ड किया, अब ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम लोग ने सपना का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे ये लगता है इसको, ये तो एक इसका संक्षिप्त पार्ट है। अभी हमने एक 12 पेज का इसका प्रोजेक्ट बनाया, हमने शेयर भी किया था, लूसर के पास है, सभी प्राम सर को भी सबको मिल जाएगा, आप लोग उसको पढ़िए और हमें सजेशन दीजिए। और आप लोग केवल इतनी मत, केवल इसको हल्ला करने में, इस गांव घोषणा पत्र के हल्ला करने में मदद कर दीजिए, हम लोगों की सफलता दिखने लगेगी। केवल इसके हल्ला करने में, हल्ला बोल कर दिया जाए गांव घोषणा पत्र का, ये बड़ा ही सरल सस्ता और सिंपल माध्यम है, मतलब गांव की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का सबसे सहज सरल माध्यम है गांव, मॉडल गांव। और मॉडल गांव के पार्ट 3 बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत आसान। तो मेरा ये कहना है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी इसे पसंद करेंगे। मैं लूसर का और ये जो अपना बक्सी के तालाब का स्टेट लेवल का जो अपना ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहां के सभी लोगों ने जिस जोश से इसको हाथों हाथ, मैं इसमें पंचायती राज के पर ACS महोदय मनोज कुमार सर से मिला, उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं ठीक हम इसमें देखते हैं। मैं लोकल बॉडी के चुनाव में गया, जो अपना चुनाव कराएगा प्रधान गांव पंचायत का, वहां के सभी सचिव थे, ये वहां के जो है अपर आयुक्त सबके सामने बात हुई, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो चूंकि आइडिया पॉजिटिव है, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, हम सभी लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सार्वजनिक तरीके से, बड़े प्रभावी ढंग से हमारे सम्मानित प्रतिभागियों के समक्ष अपनी बात रखी है, और जो बातें आपने बताई हैं मैं अपने सभी साथियों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि सर ने जो बातें बताई हैं वो उन्होंने करके दिखाया है, और उसको वो डूइंग बाय लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। और आपने गांव में जो देखा है, जो काम करने के दौरान और गांव में प्रवास के दौरान, निवास के दौरान जो चीजें आपने समझी हैं, उन बुनियादी चीजों की आपको समझ है और उसके आधार पर आपने अपनी सारी बातें कही हैं। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो सर ने बात बताई कि गांव की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, गांव के हर व्यक्ति को जागरूक करना, गांव में खुशहाली लाना और विकास को एक मुद्दा बनाना, सही व्यक्ति को चुनना, सही व्यक्ति को चुनने के लिए रणनीति तैयार करना, दिशा निर्धारित करना, मॉडल गाँव की शुरुआत कैसे हो, आर्थिक विकास के साथ अच्छी सोच का क्या महत्व है, आत्मनिर्भरता गांव में किस प्रकार लाई जाए, जो राम राज्य और गांधी जी के सपने की बात सामान्य शब्दों में की जाती है, उसको इस मॉडल गांव के माध्यम से बड़े ही सरल, बड़े ही सिंपल, बड़े ही संक्षेप में, बड़े ही आसान तरीके से सर ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लेते हैं सर कि आगे भी आप संस्थान के लिए हमेशा उपलब्ध होंगे और आपके विचार हमारे प्रतिभागियों के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, इसलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब जैसे डॉक्टर प्रांत से मैं अनुरोध किया था, मैं अनुरोध करूंगा ज्योति पाटिल जी से, यदि आप सुन रही हूँ ज्योति पाटिल जी, आप अपनी बात संक्षेप में हमारे प्रतिभागियों के समक्ष आज जो वेबिनार का विषय है उसके समक्ष में रखने का कष्ट करें। ज्योति पाटिल जी, ज्योति पाटिल जी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो आप कंटिन्यू करिए प्लीज। संभवतः कोई टेक्निकल इश्यू है, ज्योति पाटिल जी से लिंक हमारा नहीं जुड़ पा रहा है, तो मैं
ओके प्लीज कंटिन्यू। आज मैं सिर्फ जानने के लिए आई थी कि ये क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों के ऊपर हम लोग ग्रामीण विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं और क्या क्या तरीका हो सकता है ग्राम विकास का। कल ही मेरी चंद्रशेखर जी के साथ बात हुई और जो चर्चा हुई वो बेसिकली कम्युनिकेशन रणनीति, संचार की एक रणनीति को लेके बातचीत हुई। मेरा विषय डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का है और मैं ये मानती हूँ कि अगर एक अच्छी रणनीति बनाई जाए संचार को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, तो बहुत हद तक हम लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, हमारे जो कोर मैसेजेस हैं उसको सही ढंग से अपने ऑडियंस तक पहुंचाना, इफेक्टिवली अपने ऑडियंस तक पहुंचाना, और हमें जिस तरीके का एक बिहेवियरल चेंज चाहिए, एक इम्पैक्ट चाहिए, उसको कम्युनिकेशन के थ्रू करना, ये एक बहुत बड़ा एक अच्छी रणनीति अगर इसकी बनाई जाए तो हमारा जो भी आज जो बातचीत हो रही थी ग्राम विकास के बारे में, मॉडल आदर्श ग्राम के बारे में, कल चंद्रशेखर जी के साथ जो बात हुई कि किस तरीके से हम लोग प्रेरित कर सकते हैं गांव के लीडर्स को, जो जिनके अंदर स्वाभाविकता वो लीडरशिप के गुण है, उनको आगे आने के लिए और पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए, तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन रणनीति के साथ हो सकती है। आगामी चुनाव जो कल बातचीत करते समय पता चला कि मार्च में यूपी में होंगे, उससे पहले अगर हम 3 महीने का एक समय लेते हैं और एक सबके सुझावों के साथ एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग अगर रणनीति हम लोग बना सके कम्युनिकेशन को लेके, जिसमें फिल्म हो सकती है, नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, जिसमें और बहुत अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, ट्रेडिशनल नए ICTs हो सकते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय है इस तरीके की रणनीति को बनाने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और आई थिंक मैं इसी तरीके से सहयोग कर सकती हूँ इस पूरे अभियान में, यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत नई चीजें बातें पता चल रही हैं इस पूरे संवाद से, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये सब। थैंक यू, धन्यवाद ज्योति जी, आपने आईसी के बारे में और इसके ग्राम विकास का तरीका क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए और ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए जो प्रभावी संचार का तरीका है उसके बारे में और इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज के बारे में, एटीट्यूडल चेंज के बारे में, किस प्रकार से अपनी वार्ता दी जाए, अपनी बात रखी जाए, इसके बारे में संक्षेप में आपने बताया। और जैसा आपने अभी बाद में भोजन में अपनी बात रखी कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में जुड़ के, हमें भी उतना ही अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़कर, और निश्चित तौर पर आप भविष्य में भी हमारे संस्थान के लिए उपलब्ध होंगे, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार के कार्यक्रम हम होंगे आपकी आवश्यकता और उपयोगिता के दृष्टिगत हम आवश्यकता उपयोग करेंगे। प्राण जिस तरह से हम आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी लेंगे। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्री राम पप्पू जी से, वे भी अपनी बात हमारे प्रतिभागियों के समक्ष रखने का कष्ट करें और जो विषय है आपको बताइए, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी उपयोगिता और उपाध्यता के दृष्टिगत मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी बात आप संक्षेप में रखने का कष्ट करें। श्री राम पप्पू जी, नमस्ते, am I audible? मेरी आवाज आ रहा है? Yeah, clearly, no problem. Greetings to all the participants. सबका नमस्कार, सबके स्वागत है। All the important points that have been very clearly expressed, starting with the direction from Venkateshwar Luji, subsequently from Pranji, and most importantly from Hira Lalji, I am very happy to inform you that admission समृद्धि में हम लोग पिछले 4 साल में बहुत सारे रिसर्च के बाद बहुत सारे NGOs, corporate foundations, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि मुद्दा क्या है, एटलीस्ट मिशन समृद्धि हमें मानते हैं कि empowering our पंचायती राज members, institution members with capability and capacity, this is the issue that we are working on. अगर केरल के बाद देखें तो यू नो वी आर ऑल फीलिंग प्राउड दैट केरला इज अ वेरी एम्पावर्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। हाउ कैन वी डू सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? सम स्टेट्स हैव डन वेरी वेल, सम स्टेट्स आर वर्किंग ऑन इश्यूज।
तो मिशन समिति में हम ये मुद्दे पर काम कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से बहुत सारे समिट्स और बहुत सारे डिजाइन थिंकिंग उपयोग करने के बाद एक कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हैज एमर्ज्ड वेरी ब्यूटीफुली। और ये फ्रेमवर्क हमारा फ्रेमवर्क नहीं है, ये NIRD, SIRDs, NGOs, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे एकेडमिक ग्रास रूट चेंज मेकर्स के साथ काम करते करते ये एक अच्छा सा ढांचा निकल कर आया है। इसमें 7 डेवलपमेंट फैसेट्स हैं एंड हीरालाल जी, इट विल बी, यू विल बी क्वाइट अमेज्ड टू सी दैट वी आर थिंकिंग ऑन वेरी सिमिलर लाइंस। ये 7 डेवलपमेंट फैसेट्स हम D1 to D7 बोलते हैं। पहला डेवलपमेंट फैसेट है पर्सनल डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्तिगत विकास। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पारिस्थितिक विकास। और D5, D6, D7 आर कंबाइंड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। मतलब D5 है प्रोजेक्ट प्लानिंग, D6 है प्रोजेक्ट एंगेजमेंट और एग्जीक्यूशन, और D7 है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इन तीनों को हम D5, D6, D7 को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मानते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द फ्रेमवर्क दैट हैज कम। और ये फ्रेमवर्क को लेते हुए हम लोग अभी 10 क्लस्टर में NIRD के जो डॉक्टर रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो प्रोजेक्ट निकल कर आया है ARP में, 10 क्लस्टर में, 3 इन महाराष्ट्र, 4 इन छत्तीसगढ़, 3 इन असम एंड 1 इन गुजरात, वी आर वर्किंग इन दीज 10 क्लस्टर्स इन दिस प्रोग्राम। एंड अदर देन दैट वी आर वर्किंग इन 15 अदर क्लस्टर्स UP में, मध्य प्रदेश में। हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को आगे ले रहे हैं, कॉल्ड इन क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर दिस विथ यू, एंड दिस इज हैपनिंग इन अ वेरी नाइस वे, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर मोर डिटेल्स ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर एंड थैंक यू वेरी मच। समय बहुत कम है, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और जो पार्टनर्स इसमें हैं, हर एक के पास प्रोवन SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। ये सारे चीजें जो हैं पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो जो पार्टनर्स हैं इसमें जुड़े हैं, ये प्रोवन मॉडल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये थियोरी है पेपर पर ही है, ये प्रैक्टिकल चीजें जो हैं इनको हम जुड़कर ये मॉडल को आगे ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बड़े संक्षेप में लेकिन बड़ी गंभीर बातें रखी। और जैसा आपने मिशन समृद्धि के बारे में बताया, मिशन समृद्धि के सहयोग से हम लोगों ने विगत वर्ष में पंचायत पार्लियामेंट से संबंधित कमेटियों और कई कार्यक्रम किए थे। मिस्टर योगेश शांडे उस समय हम लोगों के साथ थे। उसके बाद जो व्यक्तिगत विकास है, सामाजिक विकास है, पर्यावरणीय विकास है, संस्थागत विकास है, उन सबकी महत्ता और उपयोगिता के दृष्टिगत जो सीज है, जो प्रोवन मॉडल्स है, उसकी बात आपने क्यों अभी बताया कि जो हम चर्चा आज कर रहे हैं वो सिर्फ थियोरी मात्र नहीं है, जैसे प्रोवन मॉडल्स है जिसको हमने करके दिखाया है। और साथियों, अब बहुत ज्यादा हमारे बीच वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। आपके लिए जो समय है वो काफी कम था। आपका कॉन्टेक्ट नंबर हम डॉक्टर प्राण से लेंगे और जो आपके विचार है वो हमारे कई वेबिनार्स के लिए और कई कार्यक्रमों के लिए बड़े उपयोगी होंगे सर। तो आपसे इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि भविष्य में भी आप हमारे संस्थान के लिए, हमारी फैकल्टी के लिए, हमारे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए हमारे लिए उपलब्ध होंगे। इसी क्रम में साथियों, मैं एक बार जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे एशियाई देशों में जैसे जापान है, हमें थोड़ा बहुत उधर देखना चाहिए, जैसे वहां कई थ्योरी आई, काइजन की थ्योरी है, यहाँ की रिकीगाई की थ्योरी है, तो हमें देखना पड़ेगा इस प्रकार की चीजें हमारे देश में श्रीमद् भगवद् गीता और अन्य ग्रंथों में प्राचीन समय से है, उनमें से हम चीजों को लें और किस प्रकार से जो मानव के लिए उपयोगी चीजें हैं उसको व्यक्तिगत जीवन में उतारा जा सके। इसी कड़ी में हम सब हमारे देश के बड़े ही आदरणीय महापुरुष विवेकानंद जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनके बारे में कोई भी शब्द कहना बहुत ज्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, जो उनके विचार, उनके दर्शन, उनके चिंतन, उनके अध्ययन, उनके कृतित्व के बारे में बहुत कम हो पाएंगे। हमें ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे अंतिम वार्ताकार हैं विवेकानंद मिशन लखनऊ से हमारे वीर श्री अश्विनी जी हैं, तो जिनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज का वेबिनार का हमारा विषय है, जो शीर्षक है
उसके बारे में, और हमने जो थोड़ी भूमिका आपकी ओर अनुप्राणित करने का प्रयास करने का प्रयास किया है, उसके क्रम में हमारे प्रतिभागियों को अपनी वार्ता प्रदान करने का शुक्र है। आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, इस वेबिनार में सम्मिलित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। वास्तव में जब गुरु साहब ने कहा कि सुनी जी अगर आप खाली हैं तो आइए, एक ऐसा वेबिनार हो रहा है जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को लेते हुए हम कैसे एक आदर्श ग्राम की तरफ बढ़ सके, उनकी रचना कर सके, इसलिए आप भी आइए और इसमें आप भाग लीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर उपाध्याय जी के और राघव जी के सहयोग से ये अवसर मिला है। मैं सी एस प्राण जी को सुन रहा था, हीरालाल जी को भी सुन रहा था। सी एस प्राण जी ने ग्राम पंचायतों से उस वार्ड मेंबर से लेकर ग्राम प्रधान तक के सारी रचना को रखते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी भूमिका को निर्दिष्ट किया, और हीरालाल जी ने अपना एक प्लान सबके सामने रखा। हीरालाल जी को मैं पेपर में पढ़ता आ रहा हूँ, जब गुरु साहब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे और हीरालाल जी बांदा के डीएम थे, उस समय मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हीरालाल जी ने शायद सर्वाधिक मतदाताओं को प्रेरित किया था अपने वोटिंग करने के लिए। ये मिशन मोड में काम करने वाले दो लोग प्राण जी से मैं पिछले वर्ष मिला था, अन्य लोग जैसे नीति भाई हैं, अन्य लोगों को मैं एक अनुमान से जान सकता हूँ कि आप सब मिशन मोड में हैं। और एक्चुअली स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर हमें भारत का विकास चाहिए, हमें ग्रामीण विकास की तरफ जाना होगा, हमें ग्राम आदर्श ग्राम की संकल्पना और ग्रामों को घर के गांव के गरीब की झोपड़ी से लेकर और किसान से लेकर मजदूर से लेकर उनके विकास की बात करनी होगी, और उसका एक माध्यम बहुत बड़ा हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर और सबसे डाउन टू द अर्थ और ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले ग्राम प्रधान और ग्राम समितियां होती हैं वो इसका माध्यम बन सकती हैं। ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन दो तीन बातें जो हम सब जब काम करते हैं तो अनुभव करते हैं। मिशन मोड के साथ साथ हमें जो काम कर रहे हैं इसको देखना पड़ेगा कि ये देश के लिए ठीक है, और इस देश के हम एक अंग हैं, इसी में हमको रहना है, और इसी कड़ी में अगर हम जो भी काम करते हैं वो घूम फिर कर उसका लाभ हानि हमें ही प्राप्त होनी है। तो हमें ये सलू साहब ने कहा कि इस देश को जगत गुरु, भारत माता को जगत गुरु या विश्व गुरु बनाना है और एक अपने राष्ट्र की उन्नति चाहिए, तो इस हेतु से एक दो वाक्य जो स्वामी विवेकानंद के बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जो भी करो अपने देश के लिए करो। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सारे मिशन मोड के कार्य जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से होते हैं और त्याग और सेवा इसमें उसका संपुट होता है। अगर ये तीन चीजें नहीं रही तो शायद हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसको लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ ये देखकर सबसे अच्छा लगा कि आप सब समर्पित लोग हैं और इस कार्य को आगे ले जाएंगे। वास्तव में बहुत पहले मैंने चर्चा किया था, डेढ़ साल पहले एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, कि हमारे ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों में जो वार्ड मेंबर होता है वो निष्क्रिय होता है। अगर वो सक्रिय हो जाए और ग्राम समितियां और ग्राम सभाएं ये समझ लें कि जो ये काम हमारे गांव में हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, न कि प्रधान करा रहा है न कि सिस्टम करा रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए है। तो जैसे छोटा सा घर जब हम बनाते हैं तो बाथरूम कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, एसी कहाँ होगा, ये सारी चीजों की व्यवस्था हम करते हैं, बड़े ही तत्परता से करते हैं। तो हमें ग्राम समितियों को वार्ड मेंबर्स के द्वारा जो निर्दिष्ट उनके दायित्व है उसके अगर अनुभूति कराएं और वो भाव का संप्रेषण कर सकें तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम होगा और इसी से भारत का उत्थान है। प्राचीन भारत में सारी व्यवस्थाएं थी, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो पल्लव और चालुक्य वंश के जो भी सिस्टम थे इसमें इतनी समितियां मिलती हैं और सारा कुछ वो अपने अनुसार करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय के बाद ऐसी उन्नति आई कि हम उसको विस्मित कर पड़े और अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, भारत से फिर से जाग रहा है, ऐसा आप सब देख रहे हैं। और अनेक चुनौतियां हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे तो चुनौतियों का सामना करेंगे, परंतु चुनौतियों से ही तो लड़ना अपना काम है, ये तो मिशनरी का काम है। इसलिए हम सब अपने भारत को उन्नत बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करें और इसके लिए ग्राम समितियां अपना उपयोगिता साबित करेंगी।
मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अश्विनी जी, ठीक है सही। धन्यवाद श्री अश्विनी जी, आपने बड़े संक्षेप में हमारे प्रतिभागियों के समक्ष अपनी वार्ता रखी और निश्चित तौर पर आज का जो विषय है उसमें आपने ये बात बताई कि आदर्श गांव की ओर हम किस प्रकार अग्रसर हो, आदर्श गांव की जो भावना संकल्पना जिसकी हम बार बार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, किसान मजदूर और सभी वर्ग के लोगों का विकास कैसे हो, उन तक विकास के जो संसाधन है उनकी पहुंच कैसे हो, ग्राम पंचायत गांव सभा और जो गांव की समितियां हैं वे कैसे अपने कार्यों को अच्छी तरह से भली भांति समझ सके, अपने उत्तरदायित्व से भिज्ञ हो सके और इसके साथ ही भारत का उत्थान किस प्रकार से हो, जैसा आपने बताया एंशियंट प्राचीन भारत के इतिहास से जो हमारे पास जो लिखित रूप में इतिहास की परंपरा में है उसमें मौर्यों के समय से और उससे पहले से भी सम्राट अशोक उसके बाद गुप्त में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसके बाद हर्षवर्धन बहुत सारे बड़े बड़े प्रतापी शासक हुए, दक्षिण में राजराजेश्वर प्रथम, राजराजेश्वर द्वितीय, राजेंद्र चोल वंश के राजा थे, पल्लव वंश के होयसल, बहुत सारे वंश के राजा थे, राजेंद्र वगैरह, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए जिन्होंने जनता के भलाई के लिए लोगों की भलाई के लिए उस समय के सुविधाओं के आवश्यकताओं के दृष्टिगत बहुत अच्छे काम किए। निश्चित तौर पर बदलते हुए समय में जो परिस्थितियां बदलती है वर्तमान परिदृश्य में आजादी के 7 दशक के उपरांत हमारे देश में जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है और जैसा कि हमने देखा हमारे प्रबुद्ध वार्ताकारों ने जो प्रदेश के और देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रांतों से विभिन्न हिस्सों से भागों से हमारे इस वेबिनार में जुड़े, उन्होंने हमारे प्रतिभागियों को अपनी बात उनके समक्ष रखी और ग्राम स्वराज की जो भावना है, ग्राम स्वराज की जो संकल्पना है, उसके जो विभिन्न बिंदु है, विभिन्न घटक है, उसको किस प्रकार से उसकी पूर्ति है, ये हमारे मॉडल गांव की संकल्पना को प्राप्त करने में और जो विलेज मैनिफेस्टो और इस प्रकार की जो चीजें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ विलेज, किस प्रकार से उसमें जैसा सर ने बताया वो बिंदु आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो मूल भावना है, मूल सोच है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो निष्ठा है, जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट ऑफ डूइंग थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि जापान में काइजन सिद्धांत में ये बताते हैं लोग कि अब आपस में बैठते हैं, बेहतरी के लिए विचार विमर्श करते हैं, बेहतर काम किस प्रकार से किए जाए, किस प्रकार से किसी भी चीज में बेहतर परिणाम लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, समुदाय के लिए दृष्टिगत हो। हमारे अपने साहित्य में वसुदेव कुटुंबकम की बात हमेशा की जाती रही है तो मुझे उम्मीद है कि जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है वो हमारे प्रतिभागियों तक पहुंची है और हमारे अधिकांश जो वार्ताकार थे उनमें खासियत ये थी कि वे सिर्फ थियोरेटिकल एक्सपर्ट नहीं थे, उन सब ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरियाज ऑफ वर्क में, एरियाज ऑफ स्फीयर में काम किया है और काम करने के आधार पर जो निर्णय, जो निष्कर्ष, जो फाइंडिंग्स उनकी रही है उसके आधार पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि हमारे कृतित्व, हमारी रचना, हमारे व्यक्तित्व, जो बात हम कहते हैं वो तभी जो है हम वो ज्यादा उपयोगी और ज्यादा ग्राह्य होती है जब हम अपने व्यक्तित्व से उसको लक्षित कर पाए। तो अब मैं इस अवसर पर बस अपने संस्थान के आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर जोशी उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हमारे सभी वार्ताकारों को, हमारे प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय सर, थैंक यू रंजन जी। मैं इस वेबिनार के अवसर पर जितने लोग भी इसमें जुड़े उन सभी का ऐसा यानी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और मुख्य रूप से मैं अपने महानिदेशक महोदय श्री वेंकटेश्वर लू सर का, साथ में खीरालाल सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय इस कार्यक्रम के लिए हमें दिया और हमारे समस्त प्रतिभागियों को लाभान्वित भी किया। साथ ही श्री चंद्रशेखर प्राण जी जो कि इस कार्यक्रम की एक धुरी थे और
उन्होंने जो अपना प्लान है उस प्लान को सभी के सामने रखा कि किस तरह से वार्ड मेंबर्स की अहमियत हमारी पंचायतों में है, और यदि उनको हम लोग सक्षम बना देंगे तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतें जो उनका असली कार्य है उसे करने में सफल होंगी। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ श्री अश्विनी कुमार भी जुड़े, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी वार्ता आप लोगों के समक्ष रखी। मैं उनका भी ऐसा यानी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। जितने भी साथी सहयोगी हमारे आरआईआरडी डीआईडी के ऑफिसर्स भी इस कार्यक्रम से जुड़े, और निश्चित रूप से उन्हें कुछ नई जानकारियां इससे गेन हुई है जिनका लाभ वो प्रशिक्षणों में उठाएंगे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और चीजों को समझा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्ति की ओर ले जाते हैं। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।